एसडीएम पीजी कॉलेज डोईवाला में छात्र संघ चुनाव को लेकर मतदान की प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है। मतदान को लेकर छात्रों ने भारी उत्साह दिखाई दिया है और सुबह से ही लाइनों में लगकर अपने प्रत्याशियों के पक्ष में मतदाताओं ने मतदान किया है। बता दें कि कॉलेज में 1529 मतदाता हैं और अध्यक्ष पद पर एनएसयूआई एबीवीपी के अलावा निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में हैं। साथ ही महासचिव पद पर एनएसयूआई और आज़ाद ग्रुप के प्रत्याशी मैदान में हैं। वहीं पहली दफ़ा मतदान करने वाले छात्र अपने मत का प्रयोग को लेकर उत्साहित दिखाई दिए। कॉलेज और छात्रों की समस्याओं को उठाने वाले प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील की है। इस दौरान कॉलेज प्रधान आचार्य डीसी नैनमाल ने बताया कि मतदान के बाद मतगणना की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके बाद विजयी प्रत्याशी को शपथ ग्रहण कराया जाएगा। डोईवाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। इस बार हमने पहली बार मतदान किया है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हम उसी टीम को जिताएंगे जो हमारे कॉलेज को आगे बढ़ाए। जो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी एमएससी नहीं है तो एमएससी एमकॉम आना चाहिए, तो हम पूरा समर्थ करेंगे कि हमारे जो एमकॉम और एमएससी आए और हम तब वोट करेंगे। मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, बाकी सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि वो वोट दें और उसी प्रत्याशी को जिताएं जो यहाँ पर कॉलेज का विकास करे और कॉलेज की सभी चीज़ों को अच्छे से देखें, बाकी वोट एंड सपोर्ट और विजयी बनाएं। जो है 8 बजे से वोटिंग के लिए यहाँ पर उपस्थित होने लगे हैं और हमारे 5 बूथ बने हुए हैं जिसमें अलग अलग कक्षाओं के हिसाब से बूथ में बच्चे जा रहे हैं और बच्चों में उत्साह है, वो अपने वोट का जो है उपयोग करना चाहते हैं पहली बार, इसलिए बच्चे वोट के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और महाविद्यालय के छात्र संघ चुनाव का जो है यहाँ पर वोट देने के लिए उपस्थित होंगे और आगे उनकी उम्मीद है कि जो भी छात्र संघ बनेगा वो महाविद्यालय के विकास में अपना योगदान देगा।